हमें इजाजत दो, हम अंदर आए। हमने आपको कुछ भी नहीं कहना, ना ही तो आपने हमें कुछ कहना है। थोड़ा सा रिजल्ट करेंगे और रिजल्ट के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। हम अंदर आ जाएं। वाह वाह, कमाल हो क्या, वेलकम किया गया। हाँ जी कस्टमर साहब, हमने उनसे इजाजत मांगे ना भाई। पाकिस्तान का एक ऐसा मंदिर जिसमें चुड़ैल और भूत रहते हैं भाई, पाकिस्तान में ऐसे से करिश्मे पाकिस्तान के अंदर ही हो सकते हैं। मैं आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान का एक ऐसा मंदिर जिसमें चुड़ैल और भूत रहते हैं। लेकिन उससे पहले दुबई शेख का बयान है, दुबई शेख ने गुस्से में ऐसी बात बोल दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ पाकिस्तान और दिखाते हैं वहां पे कि पाकिस्तान के मंदिर में भूत है कि नहीं है, वहां पे चुड़ैल है कि नहीं है। पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। ये खुद ही दरवाजा बजा है, खुला है, ये क्या सीन है? असरात हैं सर, है? बिल्कुल है पक्के, क्योंकि मैं तस्वीर कर रहा था ना, तो मुझे भी थोड़ा महसूस हुआ है कि यहाँ पे असरात हैं मेरे। हाँ तो इसका मतलब ये कंफर्म है बात, ठीक? बिल्कुल ऐसे सर जी। हमें इजाजत है अंदर आने की? हम अंदर आ सकते हैं? हमें इजाजत है? हमें इजाजत दो, हम अंदर आए। हमने आपको कुछ भी नहीं कहना, ना ही तो आपने हमें कुछ कहना है। थोड़ा सा रिजल्ट करेंगे और रिजल्ट के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। हम अंदर आ जाएं। वाह वाह, कमाल हो क्या, वेलकम किया गया। हाँ जी कस्टमर साहब, हमने उनसे इजाज़त मांगी ना, हमने इजाज़त मांगी ना सर, ऐसे तो थोड़ी है ना। हमने पहले इजाज़त मांगे और बाद में हम। हाँ जी क्या हुआ था, लगी है कोई चीज? हाँ जी, पीछे से मुझे ऐसे लगा किसी ने धक्का दिया हो। अच्छा, धक्का भी जोर था, यानी कि भाई आराम से। तो हमने इनको कोई शरारत नहीं की, इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की, इजाजत लेके अंदर आया ना। ये देखिए ना, काफी पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं और अजीब अजीब चीजें हैं, काफी साल ये बंद जो पड़ा है ना, थोड़े बहुत तो फिर असरात होने हैं ना इनके ऊपर। अच्छा कस्टमर साहब, ये बता रहे थे कि ये लहसुन भी रखा था ना यहाँ पे, उसके बाद वो नहीं उठा सके, आते ही नहीं है कमरे में डर के मारे ना। देखो लहसुन बिल्कुल एंड हो गया पड़ा उसका। अब ये इतना महंगा है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। अरे वो कोई आ नहीं सकता अंदर, दरवाजा नहीं खोल सकता, ये तो हमने खोला है ना। ये देखना धुआं जा रहा है ऊपर, ये क्या है? देखो हमें परेशान ना करो, ये हम 2 मिनट के लिए आए और हम वापस चले जाएंगे यहाँ से। जैसे लोगों ने हमें इस मंदिर के बारे में बताया तो हम वही विजिट करने आए हैं, आप परेशान ना हो, हमने आपको निकालना नहीं है यहाँ से। देखो क्यों परेशान कर रहे हो हमें, बताओ, हमने कोई आपसे ज्यादा की है? हमने इजाजत मांग के अंदर आए ना। और बार बार आपने धक्के देने शुरू कर दिए,
हमने आपसे कोई बदतमीजी या कोई गलत बात तो नहीं की? क्यों ऐसा कर रहे हैं आप हैं? क्या हुआ? पीछे से फिर धक्का मिला है यार। ये दरवाजा तो खुद ही खुला है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? समझ जाते, देखो क्या हो रहा है। ऊपर से कुछ ही रहा है। ये देखना, यहाँ पे अभी जो मैंने दिखाई थी, हाँ जी, ये अभी यहाँ से गुजरी है। हाँ बिल्कुल वही है। यहाँ कैसे आ गई? ये तो यहाँ पड़े थे, इस जगह पे आपने रखे थे। उधर कैसे आ गई? ओ हो, देखो सर मैं जी सर, तो दूसरा हिस्सा भी है, आ जाए। पहले तरफ मोरे मामला है, मामला है सर। इधर आगे आप चले। मैं अल्लाह के मखलूक, हम अंदर आ सकते हैं अगर आपकी इजाज़त हो, क्योंकि हम उस रूम में गए थे तो इजाज़त मांगी थी और आपने हमारे ऊपर अटैक किए हैं। अब बताओ आज की तरह ये दो मीनारों के बीच में ना कोई ऐसा लगा जैसे कोई दोनों खड़ी हुई है, वो बीच में इसके पीछे आपको आप सामने आ सकते हैं, अपना जलवा दिखा सकते हैं। जी नजर आपको वही शेड आया, वो दुल्हन वाला शायद हो सकता है उस जिस कमरे में ना हो। सर मैंने कहा ना साथ हैं ये। आप किसी रूप में सामने आ सकते हैं, कोई शक्ल दिखा सकते हैं आप हमें? अल्लाह के मखलूक, आप सामने आ सकते हैं। हाँ जी, ये ऊपर देखिए क्या है। किधर? ये देखिए। कहाँ पे? ऊपर ऊपर। कुछ नहीं है। ऊपर 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 देखो। पीछे है ना? पीछे हो, पीछे हो। ओए ओए, आया नजर? वो देखो। ओए 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 ओए, ये कौन है? मैंने कहा सर कोई है फिर। अच्छा पहले मैंने इसी को देखा था, दुल्हन। बिल्कुल इसी, मैंने आपको उस वक्त कहा था ना, मैंने एक दुल्हन देखी है। यामिन भाई यार देख रहे हैं आप? मुझे खौफ आ रहा है, देखो मैं थोड़ा सा खौफ। आप उधर बैठ जाए कमरे में, ये तो मुझे थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। ये कौन है? पहले आता है? नहीं, जो सुना था ना वो उसी तरह लग रहा है, बल्कि मैं ये तो कह रहा हूँ इधर पहले जब सांप भी नजर आता है, और ये देखो ना, ये वो देखो सामने नजर आ रही है। मैं मुझे डर लग रहा है, आप मेहरबानी करें आप कमरे में बैठे सर, आप कमरे में बैठे सर। भाई कौन हो, बात कर सकते हो हमसे? कौन हो भाई, इधर क्या कर रहे हो इस वक्त मंदिर में? क्या कर रहे हो भाई इधर, बात कर सकते हो हमसे? इधर कोई रास्ता है? और आप इधर ही रहो, मैं देख के आता हूँ। आप इधर ही कैमरा इधर रखो। बोलो सर भाई, खामोशी है इधर। उधर कुछ नजर नहीं आता उस साइड में है? हेलो भाई, बात कर सकते हो? भाई कौन हो, सामने आओ, सामने आओ, कौन हो?
क्या चीज है? मैंने आवाज नहीं आ रही कुछ चीज की। कसर ऊपर जाए रास्ता भी नहीं है। आवाज नहीं पड़ी तरह से आई। आपने देखा पाकिस्तान का एक ऐसा मंदिर जिसमें भूत रहते हैं और चुड़ैल रहते हैं। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है जरूर एक कमेंट कीजिएगा। चलते हैं दुबई से की ओर। दुबई से कहीं भी गुस्से में ऐसी बात बोल दिए हैं वो भी बड़ी क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले दुबई से का बयान सुनिए क्या बोलते हैं दुबई से। कर दे कभी भी ऐसा काम नहीं करने का है। हमारे पास क्यों फिर हाथ है? अल्लाह हमको क्यों पाँव दिया है, हाथ दिया है? क्यों तुम हमारे लिए तुम दरवाजा क्यों? हम गाड़ी चला सकते हैं, दरवाजा खुला नहीं कर सकते? ये कभी भी हमारा साथ नहीं चलेगा। सही है। आओ जाएगा तो सामान खरीद करने का है। तुम नहीं समझते यार? क्या आओ आगे बैठो, क्यों पीछे बैठा है? क्या आदमी लोग, हम काम नहीं किसी से भी। आओ तुम मेरे साथ आगे बैठो, तुम भी इंसान है हम भी इंसान है, आओ आगे बैठो। सुनो मेरा भाई, ये याद रख, एक दिन हम भी मरेगा आप भी मरेगा। जब हम लोग दोनों ऊपर जाएगा उधर तो कोई अरबाब मरबाब नहीं होएगा, उधर हमको सवाल करना होएगा अल्लाह को हम आपके साथ कैसा था। तो मेरे प्यारे भाई लोग, तुम लोग ध्यान से सुनो ये मैसेज। बहुत आदमी आजकल ऐसा करते हैं, उन लोग का नौकर लोग का साथ बोलते दरवाजा खोलो। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिया है। दुबई शेख हमेशा लेबर के लिए खड़े रहते थे। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।